हम लोग कहाँ जा रहे हैं अजय सर, बताइए जरा, ब्रीफ कीजिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तारा चंडी माई से करीब 8-10 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर माजर कुंड है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। और हमारे पीछे से इरफान सर आ चुके हैं। देखिए इरफान सर हैं, ये इरफान सर भी जा रहे हैं माजर कुंड, और यही हम लोगों को लेके जा रहे हैं माजर कुंड। अब देखते हैं उधर का कैसा व्यू है, हम लोग मिलके सभी लोग आप सभी लोगों को दिखाएंगे। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा इधर का व्यू। देखिए यहाँ पे तारा चंडी धाम है, ये पहाड़ की वादियों में एक बहुत बड़ा ही फेमस मंदिर है ये तारा चंडी धाम। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ का जो व्यू है बहुत बढ़िया है, आप लोग देख सकते हैं। और रोड इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बता नहीं सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं फिर आगे। माझर कुंड रोहतास का सबसे सुंदर प्लेस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। रोहतास डिस्ट्रिक्ट की अगर सुंदरता आपको देखनी है तो आप आइए माझर कुंड, इससे सुंदर कोई भी जगह नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया है। जी सर, माजर कुंड के बारे में कुछ बताइए इरफान सर। कुंड जो है काफी मतलब खतरनाक माना जाता है। जी सर, इस कुंड के अंदर जो तैरने वाले लोग हैं अक्सर वो भी डूब जाते हैं। जी सर, इस तरह से इसका पानी के अंदर फाट बना हुआ है कि एक लेयर के अंदर अगर कोई गोताखोर जाता है जो पहले से अनुभवी है वही जा सकता है। जी सर, नए आदमी को जाने में ये समस्या है कि अंदर तो जाएगा पर बाहर वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि फाट के अंदर फाट ऐसे बना के फिर ऐसे रहता है। जी सर, एक बार डुबकी लगाए आप तो जिस तह में आप गए आप ऊपर आने के बाद आपका माथा लड़ेगा, बाहर निकलने की कोशिश में दूसरे फाट में आप चले जाएंगे और उसी में फंस कर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सर क्या सजेशन देना चाहते हैं सर यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को? जिनको तैरना नहीं आता है या फिर जो सैलानी है यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, जी सर, बेहतर है कि वो कम से कम स्थान जहाँ पानी कम है वहाँ नहाए या फिर झरने की जगह पर नहाए, कुंड में नहाए ना कि गलती ना करें। ठीक है, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तस्वीरें क्लिक की हैं जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। माझर कुंड का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा आ रहा था, बहुत ही सुंदर आ रहा था। यहाँ पे जो भी पिक्चर हम लोगों ने क्लिक किया है उसकी सुंदरता काफ़ी सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं, देख सकते हैं ये हमारे पीछे माझर कुंड है जो काफी अट्रैक्टिव है और ये काफी फेमस प्लेस है रोहतास जिले का। और यहाँ पे आने के बाद आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह सारे सब कुछ मना सकते हैं। और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एंजॉय करना था, देखना था माझर कुंड कैसा है, तो उसी वजह से हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे जंगल भी हैं और ये माउंटेन एरिया है, काफी मतलब बहुत सारे माउंटेन हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पहाड़ों का वो सुंदर हिस्सा जो आपको रोहतास जिले में सबसे ज्यादा आपको देखने को यहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी मतलब माझर कुंड है, ये जो कुंड है असल में कुंड इसे कहा जाता है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं असल में ये कुंड है और ये काफी गहरा है। जैसा कि आप लोगों को इरफान सर ने बताया था कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो इसको देखते हुए सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे जब भी आप आए तो काफी सावधानी बरतें और यहाँ पे इसमें ना कूदें, इसमें बहुत सारे तह है जिसमें जाने के बाद इंसान फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसका अट्रैक्टिव सुंदर रूप तो मैं देख के भूल ही नहीं सकता हूँ, ये जीवन भर मुझे याद रहेगा कितना सुंदर ये प्लेस है, काफी सुंदर प्लेस है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सुख शांति है, इतना शांति है यहाँ पे, इतना मतलब अच्छा फील हो रहा है आने के बाद कि हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, मेरे पास वर्ड नहीं है कि हम आपको बयां कर पाए। तो यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माझर कुंड आए और आपको आने के बाद यहां पे बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं।
और ये माजर कुंड आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सासाराम आना होगा। सासाराम आने के बाद आप काफ़ी फेमस प्लेस है ताराचंडी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं, तो वहाँ आने के बाद छोटा सा रास्ता आता है जो पहाड़ों के किनारों से होते हुए आफ्टर 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आने के बाद आपको माजर कुंड, सीता कुंड, बहुत सारे कुंड हैं यहाँ दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने माजर कुंड ही देखा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा हम लोगों को, तो यहाँ आप इजीली आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आगे कुछ अगर है तो दिखाते हैं हम लोग। उसके बाद वो लगभग हम लोग सीता कुंड आ गए हैं। देखते हैं इधर कभी कैसा है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। देखते हैं इरफान सर पीछे हैं, वो आते हैं तो हम लोग लेके चलेंगे। आइए सर, चलिए किधर गाड़ी लगाना है, चलिए आइए तरफ से। ये दलान है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा शाम हो गया तो आपको क्लियर ना दिखे, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर दिखे। ये दलान है रहने के लिए, और यहाँ पे देखते हैं कैसा व्यू है। इरफान सर से बात करते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, ये सीता कुंड पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर क्लिक किया है जो आप लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव है माझर कुंड से। फ्रेंड्स, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं सीता कुंड है सर। फ्रेंड, ये मेरे पीछे जो है ये सीता कुंड है। आप लोग इसकी सुंदरता देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। और यदि हम माझर कुंड की बात करें तो माझर कुंड से इसकी सुंदरता काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में लोग एंजॉय कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी मात्रा में लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, माझर कुंड की अपेक्षा यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है। और यहाँ पीछे भी देख सकते हैं मेरे कुछ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। माझर कुंड में तो कुछ कम लोग थे, उधर आगे में देखेंगे तो आगे में धुआं कुंड है, तो धुआं कुंड में हम लोग बाद में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीता कुंड की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सीता कुंड काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर है माझर कुंड से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, जिन्हें तैरना नहीं भी आता है वो भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लोगों को देख के हम लोगों का भी मन कर रहा है कि चल के इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग चलते हैं इसमें सीता कुंड में इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे धुआं कुंड। तो फ्रेंड्स, हम और इरफान सर सीता कुंड में उतर चुके हैं इंजॉय करने के लिए, स्नान करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पे बहुत सावधानी से आपको ऊपर जाना होगा। और यहाँ जाने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा था फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल भी स्वच्छ था, एकदम ठंडा था। तो वेदर काफ़ी गर्म होने की वजह से यहाँ पे स्नान करने में काफ़ी सारा मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और जब भी आप माझर कुंड आप आए इंजॉय करने के लिए, टूर करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, तो फ्रेंड्स आप लोग अपने साथ में कपड़े भी लेते आए स्नान करने वाले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कपड़े हम पहने थे उन्हीं कपड़ों के साथ में लगे स्नान करने। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर है। और माझर कुंड में आप स्नान नहीं करें, आप सीता कुंड में ही स्नान करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और सुरक्षा को देखते हुए, सावधानी को देखते हुए आप सीता कुंड में स्नान करें, आप इजीली स्नान कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा गिरने की वजह से पत्थर पे शैले जम जाती हैं, जिनकी वजह से फिसलन काफ़ी बढ़ जाता है, तो फिसलने का काफ़ी डर रहता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग सावधानी से ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपको हरे हरे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, उन पे अत्यधिक मात्रा में शैले जम चुकी हैं, जिसकी वजह से फिसलन का काफ़ी डर
बना रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी गिर रहा था वहाँ पे हम जाके इंजॉय कर रहे हैं, और पानी का इतना दबाव ज़्यादा था कि खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फ्रेंड्स बिहार में कहीं आप अच्छे स्थान घूम सकते हैं, आपको यदि घूमने का शौक़ हो, टूर करने का शौक हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी माझर कुंड आएँ। माझर कुंड, सीता कुंड, धुआं कुंड घूमें, आपको बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स ये सीता कुंड का प्राकृतिक सौंदर्य आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, जो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है, मन को लुभावना लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीता कुंड से इतने स्वच्छ जल गिर रहे थे कि एकदम मन को लुभावना लग रहा था। आप दूर से भी अगर देखेंगे तो भी इसका प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य अगर कहीं पे है बिहार में, तो प्राकृतिक सौंदर्य जो आपको कैमूर की पहाड़ियों और रोहतास की पहाड़ियों में देखने को मिलेगी, वो पूरे ओवरऑल बिहार में आपको देखने को ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य नहीं मिलेगा जो आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इरफान सर और हम दोनों लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं, और इतना मन को लुभा रहा है कि इसमें से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स अब हम और इरफान सर सीता कुंड के निचले वाले हिस्सों में स्नान करने के बाद, इंजॉय करने के बाद, अब सीता कुंड के सबसे ऊपरी हिस्से पे जा रहे हैं जहाँ पे पानी का दबाव काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पानी गिर रहा है। फ्रेंड्स यदि आपको प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड और ऐतिहासिक इमारतों से रिलेटेड वीडियोज़ देखना आपको अच्छा लगता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। अब फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं हम और इरफान सर जो सीता कुंड का ऊपरी हिस्सा है वहां पे चले गए हैं जहां पे काफ़ी मात्रा में पानी गिर रहा था। फ्रेंड और मानो इस तरह से प्रतीत हो रहा था जैसे हमारे बॉडी का कोई मसाज कर रहा है, और पानी का ज़्यादा दबाव होने की वजह से हमारे शरीर पर काफ़ी मात्रा में चोटें भी लग रही थी, जिसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। फ्रेंड्स मानो इस तरह से लग रहा था जैसे प्राकृतिक सौंदर्य हमारे बॉडी पे मसाज कर रही है। फ्रेंड्स दूध की तरह बिल्कुल पानी था, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य कुछ कितना ही अच्छा है। फ्रेंड्स ये माझर कुंड बिहार के रोहतास जिले के सासाराम सिटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ पे आप लोग इजीली आ सकते हैं बाई कार या फिर बाई ट्रेन भी आप लोग इजीली आ सकते हैं और आके माझर कुंड का फुल एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स माझर कुंड, सीता कुंड, धुआं कुंड काफ़ी अट्रैक्टिव है जो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को स्नान करते हुए यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, और यहाँ पे अब हम लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद इरफान सर ऊपर वाली चट्टान पे बैठ के मेरे बॉडी पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे जहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी गिर रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तस्वीरें क्लिक की हैं जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें काफ़ी सुंदर आ रही थी फ्रेंड्स, और इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं धुआं कुंड की तरफ। इरफान सर धुआं कुंड के लिए जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं धुआं कुंड देखने। यहाँ का सारा पानी धुआं कुंड में गिरता है जी सर, और यही पानी जो है आगे बहते हुए चारा चंडी के पास लोहा का पुल बोलते हैं उसी रास्ते से निकलते हुए विक्रमगंज तक काय नदी में जाती है, यही नदी जो बन जाती है काय नदी बन जाती है जी सर। बहुत ही प्राकृतिक सुंदर है, आप देखेंगे तो बहुत ही मन को भाएगा। आप चलिए आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। ठीक है चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग धुआं कुंड कि उसका व्यू कैसा है। ये देखिए कितना मस्त बनाया हुआ है टूरिस्ट लोगों के लिए, और ये ब्रिज है जहाँ से आप उस पार जा सकते हैं। देखिए ये ब्रिज है यहाँ से आप लोग उस पार जा सकते हैं, और कितना बढ़िया ये छोटा सा चबूतरा बनाया हुआ है टूरिस्ट लोगों को बैठने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि उधर का कैसा व्यू है। इरफान सर, अजय सर आगे आगे जा रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं धुआं कुंड के पास,
तो देखते हैं धुआं कुंड का नज़ारा किस तरह का है। ये देखिए छोटा सा चबूतरा ये भी बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं आराम से इजीली, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। थोड़ा साफ सफाई में कमी है, बाकी इसका व्यू काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं हम लोग धुआं कुंड। वहाँ से मार सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये जो पहाड़ी देख रहे हैं बगल में छोटी सी पहाड़ी, मतलब यही पहाड़ उसी पहाड़ का हिस्सा है, लेकिन बीच में कुछ स्पेस है, यहाँ से कोई भी चीज़ अगर कितना भी जान लगा के आप फेंकते हैं तो उस पार नहीं जाता है। तो इसका हम लोग अभी एग्जाम्पल करके देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने उठा लिए दो तीन बड़े बड़े, देखते हैं जाता है कि नहीं उसका। वाकई में ये धुआं कुंड है, ये है धुआं कुंड का नज़ारा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पानी तो भी थोड़ा अभी कम है तो जिसके वजह से यहाँ पे धुआं उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये पानी इस गहराई में गिरता है तो नीचे से पानी वाष्प की तरह धुएं की तरह एकदम उड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी आपको जो ये जो सामने में पहाड़ी दिख रही है तो ये आपको क्लियर क्लियर नहीं दिखती है, ऐसा कहा जाता है कि वो साफ एकदम बिल्कुल दिखता ही नहीं है धुओं की वजह से। और इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ कोई छोटा सा मंदिर है, यहाँ देखिए यहाँ से छोटा सा कोई मंदिर भी है, और उसका इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पार से उस पार कुछ भी फेंकने पे, पत्थर के छोटे टुकड़े भी फेंकने पे नहीं जाता है, तो अभी हम लोग करके देखते हैं। देखा देखिएगा तो इधर गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, आधा नहीं भाई, आधा पानी में, आधे से कम में गिरेगा। देखिए अजय सर हटिए, हाथ में झटका लग जाएगा, देखो कहाँ गई, देखो वहाँ गिरा है, नीचे गिरी, वहाँ गिरा है एकदम कोने के पास। हाँ लग गई, इधर वाले में लग गए, इधर से ना लग सर, ताकत है सर, हम मार दिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम मार दिए इस पार से उस पार। ये जो रिकॉर्ड बना हुआ था कि नहीं जाता है, तो अभी इरफान सर गवाह है, हम मारे हैं कि नहीं मारे हैं सर? नहीं हम नहीं मारे हैं। नहीं हम मारे हैं ना, तो चला गया उस पार, उस पार गया है ना। देखिए हम मारे हैं धुआं कुंड में इस पार से उस पार, जो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था उसको इस पार से उस पार ठिका दिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी 7 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं अब वापस, काफ़ी टाइम हो गया है, धुआं कुंड से हम लोग वापस जा रहे हैं। काफ़ी ख़तरनाक है धुआं कुंड और काफ़ी रिस्क भरा है। यहाँ पे छोटा सा एक कॉलोनी टाइप का बनाया हुआ सैलानियों के लिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका कैसा व्यू है, जाने के बाद इसका कैसा व्यू आता है हम लोग देख लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है,
यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस तरह का कुछ व्यू है। देखिए सिर्फ धुआं ही धुआं है और काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग चलते हैं वापस, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों को सासाराम से 30 किलोमीटर आगे जाना है। फ्रेंड्स ये वीडियो हम लोग आप ही लोगों के लिए बनाते हैं और फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम दोनों लगता है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।